हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग इंटीग्रल्स। मींस बेसिकली बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव टू सॉल्व दिस गिवन इंटीग्रल। डायरेक्ट यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बोला है कि वी टू इवेलुएट द इंटीग्रेशन, मीन्स ये इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है, और एक आता है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोनों क्वेश्चन क्वाइट डिफरेंट है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ये होगा एक क्वेश्चन, और यहाँ पे बोला है इवेलुएट इंटीग्रेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। सो वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी लैप्लस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन जो है, तो इट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी इट इज इक्वल्स टू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। यह है डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। ओके, अभी ये डेफिनेशन को यूज करके हमें ऊपर का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अभी ऊपर का इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों को अगर आपने थोड़ा सा कंपेयर किया, तो एक चीज जो हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, इसमें ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़कर बाकी जो भी इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा डेट विल बी एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ दो गिवन इंटीग्रल में, तो रिमेनिंग टर्म बचता है यहाँ पे टी इंटू साइन टी, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल को छोड़कर जो भी टर्म रहेगा उसको आपको फंक्शन कंसिडर करना है एफ ऑफ टी, और जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है उसमें एक्सपोनेंशियल को छोड़कर रिमेनिंग जो टर्म है इट इज टी इंटू साइन टी। सो देयरफॉर वी विल कंसीडर हियर एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू टी साइन टी। हियर एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू टी इंटू साइन टी, ठीक है। अब ये एफ ऑफ टी का वैल्यू अगर हमने ऊपर के इक्वेशन में अगर पुट किया डेफिनेशन के फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज इंटू एफ ऑफ टी मीन्स टी साइन टी, जो है फंक्शन का वैल्यू डी टी एज इट इज एंड इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स टी इंटू साइन टी, ठीक। मार्केट एज इक्वेशन नंबर वन। अभी ये राइट हैंड साइड को पहले हमें सोल्व करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी हमें सोल्व करना है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी अगर आ गया, मीन्स में जो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए वो आ जाएगा। तो टी इंटू साइन टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, इसके अंदर दो टर्म का प्रोडक्ट है, एक है टी और दूसरा है साइन फंक्शन। तो प्रोडक्ट की वजह से हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो फिर क्या करना है, वन बाय वन हमें इंटीग्रेशन लेना है। पहले साइन टी का इंटीग्रेशन लेना है, उसके बाद टी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने पहले पहले साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है उसके बाद टी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने पहले टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो फिर हम साइन टी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कि जिसमें हम साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सके। बट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी। टी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी से डिवाइड कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है। मल्टीप्लीकेशन बाय टी है, डिविजन बाय टी है। तो यहाँ पे हमें पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी फाइंड करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी हमें चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इट इज इक्वल टू, अभी साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। फॉर्मूला अगर चाहिए तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। यहाँ पे मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी एट इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। नाउ अब ये होने के बाद अब इसको टी से मल्टीप्लाई करना है, सो वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी। सो देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लीकेशन बाय टी, ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। बट अभी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी है क्या, पहले वो हमें लिखना पड़ेगा। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी जो है वो इस टाइप से है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इन टू एफ ऑफ टी, मीन्स कोई फंक्शन को आप टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एन का वैल्यू चेंज हो सकता है, एन का वैल्यू आप वन लो, टू लो, थ्री लो, फोर लो, डेट डजेंट मैटर। तो हम टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर टी टू द पावर एन से अगर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी। इसका आंसर आता है माइनस वन टू द पावर एन इन टू डी एन बाय डी एस टू द पावर एन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रिमेनिंग फंक्शन मीन्स एफ ऑफ टी, जो फंक्शन को आप टी से मल्टीप्लाई कर रहे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये है फॉर्मूला ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी। अब ये फॉर्मूले को हमें ऊपर अप्लाई करना है, सो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब ये फॉर्मूला तो टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करने के लिए, बट हमें सिर्फ टी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। मीन्स वी नीड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इन टू साइन टी, ये हमें चाहिए। तो टी इंटू साइन टी इट इज इक्वल टू, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे टी टू द पावर वन से मल्टीप्लाई किया, मीन्स यहाँ पे एन का वैल्यू वन हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर वन इंटू डी वन बाय डी एस टू द पावर वन, फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा, इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन को हमने टी से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन टी को मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ पे आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। ओके, अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू उसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इट इज वन अपॉन स्क्वायर प्लस वन, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये माइनस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी जो हमने ऊपर निकाला था। अब इसका हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना है, ये डेरिवेटिव अगर सॉल्व होगा इट मीन्स दैट कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी हमारा पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव को चेक करो एक बार, ये माइनस वन जो है ये एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन स्क्वायर प्लस वन का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एंड इन टू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन विच इज ट्वाइस एस, अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे कंपल्सरी लेना है। ठीक है, अब ये इट इज इक्वल टू, ये माइनस वन और ब्रैकेट के अंदर का माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस, न्यूमिरेटर इट इज ट्वाइस एस अपॉन डिनोमिनेटर एट इज एस स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी। मीन्स हमें अभी मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी। ठीक है, अभी ये वैल्यू को इक्वेशन वन के अंदर हम पुट कर सकते हैं, इक्वेशन वन जहाँ पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये वाला इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है, तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी साइन टी डी टी एट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, ये वैल्यू हमें इक्वेशन वन के अंदर पुट करना है। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन के अंदर ये वैल्यू पुट करना है, सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी साइन टी डी टी एंड राइट हैंड साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, तो उसका वैल्यू हमें मिल गया ट्वाइस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, बट ये जो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस एस टी लिखा है, ई टू द पावर माइनस एस टी, और जो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हमें फाइंड करना है वहां पे क्या है चेक करते हैं, जो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हमें फाइंड करना है यहाँ पे कुछ तो भी डिफरेंट है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हमें फाइंड करना है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का पावर जो है इट इज ई टू द पावर माइनस थ्री टी, मीन्स ई टू द पावर माइनस थ्री टी चाहिए हमें एक्सपोनेंशियल में, और हमारे पास भी यहाँ पे आया ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो हम ये बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट हमें यहाँ पे एस का वैल्यू थ्री पुट करना है। सो फॉर एस इक्वल टू थ्री डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फॉर एस इक्वल टू थ्री, अब एस इक्वल टू थ्री कंप्लीट इक्वेशन में पुट करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करना है और राइट हैंड साइड पे पुट करना है, तो चेंजेस क्या होते हैं चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एस इक्वल टू थ्री पुट किया तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू टी एज इट इज
इंटू साइन टी डी टी एज इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे एस की जगह पे थ्री, तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री अपॉन एस स्क्वायर, मीन्स थ्री स्क्वायर प्लस वन और फिर इसका ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है वो आप डायरेक्ट कैलसी पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फाइनल कैलसी पे सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 3/50 एंड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। ठीक है, जो गिवन इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना था उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया 3/50। सो इस टाइप से लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है उसमें लिमिट 0 टू इंफिनिटी चाहिए, तो ही आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करके वो इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मींस हर कोई इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ वही इंटीग्रेशन सॉल्व होगा जहां पर लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।